हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम परफॉर्म करेंगे SOP 10। राइट अ PHP प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। तो मैं आपको इसका कोडिंग पहले नोटपैड में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको कोड लिखना है। डॉक्यूमेंट टाइप इज इक्वल टू HTML, देन HTML बॉडी। इसके अंदर आपको PHP का कोड लिखना है। तो आप PHP का कोड कैसे लिखेंगे? विद इन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, और ये एंड होगा क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर मुझे क्या करना है? फंक्शन चेक वोट, इसमें डॉलर नेम इक्वल टू, मैंने कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, तो मैंने नाम लिख दिया है पायल। एज दे दिया है 17। इफ डॉलर एज इज ग्रेटर देन 18, एको नेम, मतलब जो नाम दिया है दैट शुड बी डिस्प्लेड हियर। तो नेम यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एल्स एको नेम यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं ये चेक वोट फंक्शन, इसको मैं कॉल कर रही हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। इसको मैं सेव कर सकती हूँ फाइल सेव पे क्लिक करके। आप लिख दीजिए विद इन डबल कोट्स CHECK चेक वोट डॉट PHP। अब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको PHP अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करना है, तो ये देखिए, ये वेब लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप क्या कीजिए, ये वेब लिंक ऐसे कॉपी कर दीजिए और आपके ब्राउजर में एक नया टैब ओपन कर दीजिए, और इस टैब में आप ये लिंक कॉपी कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको एक कंपाइलर मिल जाएगा जिसमें आप PHP का कोड रन कर सकते हैं। तो अब मैं ये कोड जो है इसको ऑनलाइन रन करूंगी, क्योंकि मुझे PHP इंस्टॉल नहीं करना है। मैं इसको ऑनलाइन रन कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल बी करके मैंने पूरा कोड कॉपी कर दिया एज इट इज। तो फंक्शन क्या हो गया, चेक वोट, नेम हो गया पायल, एज हो गया 17, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एको डिस्प्ले हो जाएगा नेम यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं इस कोड को रन कर देती हूँ। ये देखिए, ये साइड में राइट साइड में आपका आउटपुट आ जाएगा। बिकॉज पायल का एज 17 है, सो क्या डिस्प्ले होगा, पायल यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो इसके साथ आपको PHP का आउटपुट आ गया है। ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन रन कर दीजिए। तो आपको PHP इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं, आपका कोड ऑनलाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज इस प्रोग्राम को जरूर परफॉर्म करना और मुझे बताना आपको आउटपुट आया कि नहीं। थैंक यू।